बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ कलीम साथ स्कूल सी इस्लामाबाद। टुडे आवर टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमने एडिशन पढ़ी थी, सब्ट्रैक्शन पढ़ी थी, आज हमने पढ़ना है कि हम मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, जो ए के कॉलम है, ए जो सेट है, तो मैट्रिक्स है, उसके जो कॉलम्स होंगे उसके नंबर और जो इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, जो बी सेट है, बी आपका मैट्रिक्स है, उसकी रोज के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, जैसा ये देखिए यहाँ पे इस मैट्रिक्स में देखिए कितने रो कितनी है, ये रो वन है, ये रो टू है, ये सी वन सी टू आर वन आर टू सी वन सी टू। इसका ऑर्डर क्या है, टू रोज है बाय डैश और कितने कॉलम साइड है, इसी तरह लिखते हैं पहले रोज लिखते हैं फिर बाय और फिर कॉलम। इसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगा दो रोज है बाय फिर कॉलम भी। तो हमने ऑर्डर फाइंड कर लिया है ना दोनों का। अब देखिए जो अब डेफिनेशन देखते हैं कि जो ए मैट्रिक्स थी उसके कॉलम इक्वल है बी के और रोज से देखें। अब कॉलम ए है इसलिए इसके कॉलम क्या है, टू कॉलम। ठीक है, और इसकी जो बी है उसकी रोज कितनी है, टू है। अगर ये दोनों सेम हो जाती है, इक्वल आ जाती है, तब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जिस अगर इक्वल आती है इस तरह मैट्रिक्स आ जाए, ये आपको एक मैट्रिक्स दिया है ये बी, ठीक है, ए वाला आपको दिया हो इस तरह। अब देखिए इसकी एक रो है और एक ही कॉलम है, वन बाय वन कब एक ही मैट्रिक्स है, और ये वाली दो रोज है बाय वन कॉलम। अब ये देखिए इसके कॉलम और इसकी रोज मैच नहीं होती, तो हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अभी देखिए जो हमने दो मैट्रिक्स ली थी इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको हमने ऑर्डर चेक कर लिया था ना कि कॉलम जो थे इसके रोज इक्वल आ गए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बी, पहले ये वाली साइड लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बी, फिर ये वाली साइड राइट हैंड साइड लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखने के बाद आपने करना क्या है, जो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, उसको उसके दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है ये देखिए, पहली को पहली वाली के साथ वन माइनस वन, वन को माइनस वन से, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर टू और माइनस सिक्स। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है पहली वाली पहली के साथ, बीच में प्लस और फिर टू को माइनस सिक्स के साथ। ठीक है, अब इसी लाइन पे रहना है, इसी रो में रहना है। अब स्टार्ट करेंगे, अभी देखिए दूसरी कॉलम पे आ गए ना हम, तो कॉलम टू की तरफ आना। ठीक है, अब इसकी भी पहली वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू है इसकी थ्री, वन को मल्टीप्लाई कर दिया थ्री के साथ, वन मल्टीप्लाई कर दिया थ्री के साथ, नेक्स्ट हमें करना है टू को फाइव के साथ, इसमें प्लस, टू को मल्टीप्लाई कर दिया फाइव के साथ। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट वैल्यू, ये हमने रेस कर देना या बेशक पेंसिल के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने करना है रो टू को कॉलम वन से, पहले रो वन को करेंगे कॉलम वन से, फिर इस रो टू के साथ, और फिर रो टू को हमने करना है कॉलम वन से। इसकी पहली वैल्यू कौन सी है, थ्री को करना है माइनस वन से, प्लस फोर को करना है माइनस सिक्स से। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट, थ्री को करना है थ्री से, फिर उसके बाद आ जाएगा फोर, प्लस फोर को करना है फाइव से। यह आपने ध्यान रखना है कि ये पहली रो है और इसकी हम पहला कॉलम करें तो इधर ही रहना है, फर्स्ट रो तो ये जो पहला पहली रो है तो उसका पहला कॉलम है। ठीक है, फिर ये जब ये वाला करेंगे इस पहले कॉलम से तो पहले कॉलम ही रहना, जब सेकंड कॉलम करेंगे तो फिर सेकंड कॉलम में लिखनी है दोनों वैल्यूज। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन वन मल्टीप्लाई वन वन आ जाएगा, उसके बाद देखिए माइनस है, जब इसमें कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो आपने यहाँ वन के साथ माइनस लगा देना है। नेक्स्ट है प्लस माइनस माइनस सिक्स टू जा ट्वेल्व। ठीक है, फिर नेक्स्ट करेंगे थ्री वन जा थ्री, ये प्लस टू फाइव जा टेन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कोई साइन नहीं है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस थ्री वन जा थ्री, ये फिर प्लस माइनस माइनस सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर। इसी तरह नेक्स्ट है थ्री थ्री जा नाइन, प्लस फोर फाइव जा ट्वेंटी, ये आ जाएगा आपका सेट। इसके बाद आप उसको प्लस माइनस कर लीजिए। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो रहा है, वन प्लस ट्वेल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, थर्टीन आ जाएगा। थर्टीन जब आएगा
हमें देखना है कि माइनस किसके साथ है, बड़ी वाले साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस भी लगाना है, ठीक है। इस तरह 3 + 10 = 13, उसके बाद ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 3 करेंगे 24 में ऐड तो क्या आ जाएगा 27, और यहाँ पे देखें बड़ी वाले साथ माइनस है तो माइनस भी, 9 करेंगे 20 में ऐड आ जाएगा 29। तो हमने ये फाइंड क्या कर लिया है, ए बी, ए मल्टीप्लाई बी, ए बी इक्वल आएगा, ठीक है। तो ए बी किस इक्वल आ गया, -13, -24 और 29। अब हमें देखने हैं कि मल्टीप्लीकेशन के लॉज क्या होते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एडिशन के लॉज, आज इसी तरह हमने मल्टीप्लीकेशन के पढ़ने हैं। फर्स्ट वाला है एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये हमने जो एडिशन पढ़ा था ना, यहाँ पे प्लस था, इधर भी प्लस था और इधर भी प्लस था, हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व की थी फिर सी वाई के साथ ऐड किया था। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ए मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, जिसमें अभी हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया ए या बी, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा हमने सी वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, उसके बाद आपने राइट हैंड साइड जितना तरह लेनी है, उसमें पहले आप बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा आपको उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सबट्रैक्शन। एक है जो ये देखें यहाँ पे है ए, फिर उसके बाद उन्होंने ये दूसरी वाली लाइन, ये जो दूसरी दो वैल्यूज है उनको ऐड किया, ठीक है। सबसे पहले ए इसी तरह रख दिया, बाकी तो उन्होंने ऐड किया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया ए को, जब बी से करेंगे तो ए भी आ जाएगा, बीच में प्लस है तो इसी तरह आ जाएगा, फिर ए को करेंगे सी के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए सी। इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, उसके बाद आपने ए बी को पहले ऐड करना है, बी और सी को ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद आपने राइट हैंड साइड लेनी है, उसमें ए बी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद दोनों का आंसर को आपने ऐड कर देना है, ठीक है। इसी तरह आप ये केवल लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये राइट वाला है। अब राइट वाला देखिए उसमें क्या है कि उन्होंने पहली दो वाली ऐड की है, थर्ड वाली इसी तरह रह दी है, जबकि ऊपर वाली में एक रहने दी थी और बाकी दो ऐड की थी, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे उसी तरह आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड पे ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी को सी के साथ, फिर जो दोनों का आंसर आएगा वो ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ जो हमने एडिशन में पढ़ा था, उसमें था ए प्लस बी इक्वल आते हैं बी प्लस ए के, लेकिन इसमें क्या करना है, हमने ए बी मल्टीप्लाई करना है, जहां पे प्लस होगा वहां पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ठीक है। ए बी यहाँ पे जो साइन है ये इधर इक्वल था नहीं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, ए बी कभी भी इक्वल नहीं आएगा बी ए के। यहाँ पे याद रखना है कि कम्यूटेटिव में हमेशा एडिशन में आपका प्लस आएगा, इक्वल आएगा, लेकिन यहाँ पर जो है इक्वल नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट लॉ है आपका मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन में मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी कि वो जीरो होती है। आइडेंटिटी होती क्या है कि आप किसी भी एडिशन में तो प्लस करना होगा ना, आपने सिर्फ ऐसी वैल्यू लेनी होती है जो जिससे आप कुछ भी ऐड करें तो वही वाली वैल्यू है, जिसको कहते हैं आइडेंटिटी। एडिशन में तो हमें पता है कि प्लस करेंगे जीरो के साथ तो वही वाली वैल्यू देता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में क्या करें कि अगर 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 9 ही दे, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता, ठीक है। ये हो गई है एडिशन की आइडेंटिटी के मल्टीप्लीकेशन की, लेकिन मैट्रिक्स की हम क्या यूज करते हैं, किसी भी एक वैल्यू जिसकी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई है वही आंसर देती है, ठीक है। फिर बी को ए से करेंगे तो फिर भी ए ही आएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, इससे रिलेटेड कि ए बी का ट्रांसपोज और इक्वल आना चाहिए बी ट्रांसपोज या बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ठीक है। इस हमने एग्जांपल ले लिया, इसमें एक सेट है ए और बी, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमने लेना है लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है ए बी ट्रांसपोज। अब ए बी के हमने निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ए बी निकालना है। याद रखिए सबसे पहले हमने ए बी फाइंड करना है, उसके बाद फिर ट्रांसपोज लेना है। ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है पहले उसको सॉल्व करते हैं, फिर ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए बी हमने ले ली, ए बी का सेट लिख लिया ए बी, ठीक है। इसके लिए मैंने फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम इस तरह लिया है 1, 2, 1, 2 और 1 को -2 के साथ, फिर 1 को 2 को 3 से और 1 को 0 से, इस तरह 0 को 1 से, बीच में प्लस, फिर -1 को 2 से, फिर 0 को 3 से और -1 को 0 से, ठीक है। 2 1 2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा, इस तरह ये 0 1 0 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 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 ही होता है, फिर यहाँ पर 2 1 2 आ जाएगा,
इसी तरह 3 2 6 और ये 1 0 0 और 0 को 3 से करेंगे 0 और 1 को करेंगे जब 0 से तो 0 और ये प्लस माइनस माइनस आ गया। इसी तरह 2 - 2 0 आ गया, 6 + 0 6 0 + 2 2 और 0 - 0 0 आ गया। यहाँ पे हमने एक ही निकाली, इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू पे क्या हमें टिक लगाना है, इधर भी वैल्यू से टिक लगाना है जो हमने ट्रांसपोज वाले टॉपिक में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद जो कॉलम थी रो है उसको हमने कॉलम कर दी है और जो ये वाली रो है उसको भी हमने कॉलम में शिफ्ट कर दी है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने देखना है राइट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड पे है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमने करे बी का ट्रांसपोज लेना है। याद रखना है कि आपने अब यहाँ पे ए बी को मल्टीप्लाई पहले नहीं करना, सबसे पहले आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के लिए आपने बी का साइन लिख दिया, यहाँ पे भी टी लगा दिया, बी पे भी और इधर मैट्रिक्स भी, ये आपने रो कर दिया है कॉलम में, ये रो आपने कर दिया है कॉलम में, ये आ गया आपके पास बी ट्रांसपोज। अब देखिए यहाँ पे जब हमने बी ट्रांसपोज निकाली है उसके बाद हमने निकालना है ए ट्रांसपोज, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लेकिन ए ट्रांसपोज निकाली है, इसके लिए यहाँ पे ए टी लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे इस मैट्रिक्स पे भी रो को कर दिया हमने कॉलम में, इस रो को भी हमने कॉलम में कर दिया। अब देखिए हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे, बी ट्रांसपोज आ चुका आपके पास ये, उसके बाद आपने वैल्यू लिख दी। उसके बाद ए ट्रांसपोज जो अभी निकाला है वो, उसके बाद आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 को 1 से फिर 1 2 को 1 पहले 1 को इससे 2 से और फिर 2 को इस 1 से, उसके बाद यहाँ पे इसको इससे कर दिया, फिर इस वाले को इससे कर दिया, उसके बाद 3 को 2 से और फिर 0 को 1 से, 3 को 0 से 0 को -1 से। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 2 आ गया और ये प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 2 1 2, इसी तरह फिर ये 1 0 0 और फिर माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 2 आ गया। इसी तरह यहाँ पे ये वाला करना है 3 2 6 और ये 1 0 0 फिर 6 + 0 आ जाएगा। इसी तरह ये 3 0 0 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 0 1 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 - 2 0 हो गया, 2 0 + 2 2 आ जाएगा, 6 + 0 6 और 0 - 0 0। तो अब ये देखिए जो ए बी ट्रांसपोज है ट्रांसपोज की वैल्यू आई है वो इक्वल आ गई है ए बी ट्रांसपोज के, तो हमने यहाँ लिखते रहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है, इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। आज जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं ये एक्सरसाइज 1.4 से रिलेट कर रहे हैं। आई होप कि आपको सारे टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।